हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की आंसर की जारी कर दी है। आप लोगों ने देख ही ली होगी और अपने अपने मार्क्स देख ही लिए होंगे कि कितने कितने आ रहे हैं। तो फिर आई है, आज हम जानते हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम की। तो फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो अप्रोक्स कितने भरे गए हैं, 23 लाख इतने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, आपको तो पता ही होगा अप्रोक्स। और जो अपियर जो बच्चे हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो अप्रोक्स 8.5 लाख अप्रोक्स इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो फिर हम देखते हैं कि जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो मेल के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी अनरिजर्व के लिए 65 to 68। अगर इतने आपके मार्क्स हैं तो बहुत सही है, आप फिज़िकल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, टाइपिंग सीख सकते हो। टाइपिंग जितनी अच्छी कर सकते हो उतनी अच्छी कर लो, क्योंकि टाइपिंग में हमें 25 नंबर की टाइपिंग होगी आपकी, 25 नंबर तो लाने ही लाने हैं। और ईडब्ल्यूएस वालों की बात करें तो फिर उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 60 to 64। उनके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ओबीसी वालों की। तो फिर ओबीसी वालों की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी 63 to 66। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो सही है, आप कर सकते हैं अपनी तैयारी। अब हम बात करते हैं SC ST वालों की क्या रहने वाली है। तो फिर SC ST वालों की देखते हैं, SC वालों की रहेगी आपकी 55 से अगर 58 के बीच हैं आपके, या फिर 55 और 58 हैं, तो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं भाई, कर लो स्टार्ट, फिज़िकल देना स्टार्ट कर दो, देरी मत करो। और ST वालों के लिए बात करते हैं तो फिर उनके लिए रहेगी 52 से अगर आपके 54 आ रहे हैं तो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, देरी मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि हमें एवर रेडी रहना होता है, समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं फीमेल की, फीमेल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की। तो फिर अनरिजर्व बोल सकते हैं हम कि जो अनरिजर्व के लिए कट ऑफ रहेगी फीमेल की वो 62, अगर 63 मार्क्स हैं आपके तो आप कर दो प्रिपरेशन स्टार्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी 55 से अगर आपके 58 हैं तो आप स्टार्ट कर दो। ओबीसी की रहेगी आपकी 58 to 61, ऐसे अगर आपके मार्क्स हैं तो आप कर सकते हो स्टार्ट, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रिपेयर करो, बाकी आगे देखा जाएगा। और इतने मार्क्स से कट ऑफ कहीं जानी नहीं है, कट ऑफ तो इतनी ही रहनी है आपकी। अब हम बात करते हैं SC वालों की। तो SC वालों की आपकी जो कट ऑफ है वो 52 जो है तो आप कर सकते हो प्रिपेयर। और ST वालों के लिए 48 to 51, आप अगर आपके मार्क्स इतने के बीच हैं या फिर जो मैंने 50 जैसे 50 to 52 भी है ना तो भी आप स्टार्ट कर दो, अगर 48 भी हैं तो आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। आपके लिए टाइपिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो टाइपिंग के लिए आप अपना पूरा बेस्ट दो, मतलब टाइपिंग में 25 में से 25 स्कोर ही करना है, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ होगी वो टाइपिंग के मार्क्स मिला के आगे बढ़ाई देगी। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कंप्यूटर में और भी सीख सकते हो, कंप्यूटर में आपका उधर वो टेस्ट ले सकते हैं कि आपको MS वर्ड चलाना आता है कि नहीं आता, उसमें आपसे
पूछ सकते हैं वो। तो आप एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड ये आप सीख सकते हो, अभी भी टाइम है आपके पास, तो मैं कहूँगा आपसे सीख लीजिएगा क्योंकि उधर ये काम आ सकता है। और ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, और तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप जानते हो कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत ही हमें आगे ले जाएगी और मेहनत ही हमें जॉब दिलवाएगी। तो फिर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू आज के लिए, अब फिर मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स।